नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वरमई टाइम्स में। दिन भर की बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं दर्शिता अरोरा। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जम्मू के अखनूर सेक्टर में संदिग्ध सिलेंडर बरामद। बीजेपी के समर्थन मांगने पर मंत्री अनिला ने दिया बड़ा बयान। मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए अहम फैसले। जम्मू संभाग के अखनूर सेक्टर में एक संदिग्ध सिलेंडर मिला है। जानकारी मिलते ही पुलिस और सेना के जवान मौके पर पहुंचे, साथ ही बम स्क्वाड को मौके पर बुलाया गया है। मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार सुबह दोमाना विधानसभा क्षेत्र के पुलिस थाना कानाचक के अंतर्गत पंचायत मलपुर के गांव चंदेल के सुआ नंबर 1 के परगवाल रोड के पास एक संदिग्ध सिलेंडर बरामद हुआ है। इस जगह से करीब 100 मीटर की दूरी पर ही सेना की यूनिट भी स्थित है। ऐसे में इसकी सूचना मिलते ही सेना के जवान तुरंत मौके पर पहुंचे। पुलिस और बम निरोधक दस्ते को भी मौके पर बुलाया गया। सुरक्षा बलों ने सड़क को बंद कर दिया है। लोगों की आवाजाही पर भी रोक लगा दी गई है। इसी के साथ ही आसपास के क्षेत्र में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। मौके पर कार्यवाही भी की जा रही है। मंत्री अनिला भेड़िया ने राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के चुनाव को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। मंत्री अनिला ने कहा कि बीजेपी ने कांग्रेस के विधायकों से समर्थन मांगा था, साथ ही कहा कि दोनों पार्टी अपनी अपनी जगह है और दोनों अपने अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं, तो जरूर अपने ही प्रत्याशी को वोट देंगे। बीजेपी का काम है समर्थन मांगना, हम भी मांग सकते हैं, पर वोट देना अपने ऊपर है। अब पार्टी, दोनों पार्टी अलग अलग जगह है, अपने अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं, तो जरूर सब अपने अपने वोट देंगे। हम कांग्रेस का समर्थन मांगे, कांग्रेस से उनका भी काम है, हम भी मांग सकते हैं भाजपा वालों से कि हमारे प्रत्याशी को समर्थन, उनका काम है मांगना और देना, तो सब अपना ऊपर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज यहाँ उनके निवास कार्यालय में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, जिसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, जिसमें राज्य के प्रचलित मछली नीति के स्थान पर नई मछली पालन नीति का लागू करने का प्रस्ताव अनुमोदन, प्रदेश में स्वीकृत सहायक आरक्षणों के पदों को समाप्त कर डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक फोर्स संवर्ग के सृजन की स्वीकृत के प्रस्ताव का अनुमोदन, स्थानांतरण नीति में बदलाव समेत अनेक निर्णय लिए गए। नीति है तो एक नई मछली पालन नीति लागू करने के लिए फैसला लिया गया है और बहुत विस्तारित इसलिए नहीं बताया जा सकता कि क्योंकि विधानसभा का सत्र आहूत है, इसलिए डिटेल विवरण उसमें दिया जाना संभव नहीं है, लेकिन नई नीति इसमें लागू करने का अनुमोदन कर दिया गया है। प्रदेश में स्वीकृत सहायक आरक्षकों के पद को समाप्त कर डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक फोर्स संवर्ग के सृजन की स्वीकृति का प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया गया है। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।